नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के साइट पेपर नंबर 3। इससे पहले हम 2 साइट पेपर अपने साइट पर अपलोड कर चुके हैं, आप उनको ज़रूर चेक करिएगा। इस साइट पेपर में आपके लिए मिलेंगे 30 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, क्या पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है आपका, यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए 24 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यह रहा स्क्रीन पर। दोस्तों देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO की रिपोर्ट के अनुसार भारत की निम्नलिखित औद्योगिक दुर्घटनाओं में से कौन सी 20वीं शताब्दी की प्रमुख औद्योगिक घटनाओं में सूचीबद्ध है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी, जो बी ऑप्शन पर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है हाल ही में चर्चा में रहा माउंट अंगुंग किस देश का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, यह ज्वालामुखी जो है वह इंडोनेशिया में है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिल्किस बानो को गुजरात सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिए जाने के लिए आदेश दिया है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी 50 लाख रुपए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है हाल ही में किस देश द्वारा भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर रामायण पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, इंडोनेशिया है वह देश, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, ये डाक टिकट जो जारी किया है इंडोनेशिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा स्क्रीन पर आपके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस को दूसरी बार दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर से नवाजा गया है, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, आहना कुमरा, जी हाँ दोस्तों, आहना कुमरा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, पहलवान बजरंग पूनिया, जी हाँ दोस्तों, पहलवान बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के पहलवान को 12-7 से हराकर कौन सा पदक अपने नाम किया है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, स्वर्ण पदक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा स्क्रीन पर आपके, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है ईरान और किस देश ने संयुक्त सीमा अनुक्रिया बल की स्थापना करने का निर्णय लिया है, बताइए इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या होगा। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, राइट आंसर है आपका पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है, किस देश से आयात होने वाली चॉकलेट, दूध और इसके उत्पादों के आयात पर रोक को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर है चीन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने किस्तों में 10,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 किस्तों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है हाल ही में नासा ने सौर मंडल के किस ग्रह के बारे में अध्ययन रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि इसका कोर सॉलिड है, बताइए इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों चेक करते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो मरकरी है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा बुध ग्रह के शोध के लिए छोड़े गए यान का नाम क्या है, बताइए क्या होगा इस यान का नाम। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों 12th नंबर के इस क्वेश्चन का बेपी कोलंबो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति 2031 को अपनाया है, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है UAE, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों करेंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ में दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनके लिए भी उपयोगी साबित हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, निम्नलिखित में से किस टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सर्विसेज अर्थात सेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने किस भारतीय अर्थशास्त्री के नाम पर असमानता का अध्ययन करने के लिए एक नया चेयर स्थापित करने की घोषणा की है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर अमर्त सेन, सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों अमर्त सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा गया है, अमेरिका ने घोषणा की है कि वह इस साल के 2 मई के बाद भारत समेत कितने देशों को ईरान से कच्चा तेल खरीदने की छूट नहीं देगा, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा स्क्रीन पर। दोस्तों 17 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, अरब लीग ने किस देश के लिए $100 मिलियन की प्रतिबद्धता जाहिर की है, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी फिलिस्तीन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, चुनाव आयोग ने एक विवादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता व पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पर कितने घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों बताइए।
चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों 72 घंटे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा स्क्रीन पर। 19 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, किस देश में ईस्टर के मौके पर हुए धमाकों के बाद 22 अप्रैल 2019 की आधी रात से देश में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी है, कौन सा है वह देश, बताइए क्या होगा आपका आंसर। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, इस देश इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से किस दिन विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए दोस्तों चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो 23rd of April, 23 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा गया है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 23वें संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है, क्या होगा इसका आंसर, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोहा। ऑप्शन नंबर डी दोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 23वें संस्करण के पहले दिन भारत के किस खिलाड़ी ने जैवलिन थ्रो में भारत को रजत पदक दिलाया, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए चेक करते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी अन्नू रानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 60.22 मीटर दूर जैवलिन थ्रो करके इन्होंने रजत पदक के साथ में भारत का खाता खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या पूछा गया है, हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कैंसर से संबंधित ICP रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है, ये क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 19वां स्थान भारत का है कैंसर में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में गाइडेड मिसाइलों को ध्वस्त करने में माहिर किस INS युद्धपोत का जलावतरण किया है, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है INS इम्फाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा स्क्रीन पर आपके। आपसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, देखिए INS जहाज कोलकाता और शक्ति PLA जो नौसेना से है के 70वें वर्षगांठ समारोह के एक हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के लिए किस देश में गए हैं, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों चेक करते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है, BCCI के लोकपाल DK जैन ने कॉफी विद करण विवाद को लेकर क्रिकेटर KL राहुल और किस क्रिकेटर पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, बताइए इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हार्दिक पंड्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने को लेकर भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन के लिए किस वीरता पुरस्कार सम्मान की सिफारिश की है, आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वीर चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, 28 नंबर का क्वेश्चन है। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 2008 बीजिंग ओलंपिक के 15,000 मीटर रेस के चैंपियन एस बेल किपरोप को कितने साल का बैन लगाया गया है, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए 4 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 से जुड़ चुके हैं, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो 20, जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 20 इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है। निम्न में से किस दिन विश्व भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर्स सेट पेपर नंबर 3 के 30 क्वेश्चन। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि आपने इस क्वेश्चन सेट पेपर में कितना स्कोर किया। और साथ साथ आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।